जय माता दी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है। और आज कुछ ऐसी ऐसी बातें सुनी ना कि मन बहुत उदास हो गया है। बारिश से जो तबाही हुई ना, बाद में बताऊंगी। मैं यहाँ पे मैं घास काट रही थी, 11-12 बजे का टाइम था, क्योंकि उसी टाइम बारिश थोड़ा सा थमी थी, तो तभी हम काट सकते हैं। और क्योंकि पशुओं के लिए हरा घास भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये घास ऐसा होता है ना, पैना जैसा घास होता है ये, इसको बारिश का एकदम सूख जाता है। जैसे बारिश होती है इसके ऊपर पानी नहीं टिकता ज़्यादा देर, ठीक है? तो अभी मैं हन्नी को बुलाऊंगी, और उंगलियाँ बांधी हुई मैंने मैंने ये देखो, ये यहाँ पे पानी कितना ज़्यादा बह रहा है। नहीं आया कदवाड़े? ये पटना पड़ना थी थोड़ा जा, ये बता, ये पानी ना पारो के करना, पार पाले किनारो। हाँ यही ऐसे है। लचकते रहे, नुकता पिया पानी। तो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता दिया है जो पार को गया, पर पार तो भाई बुरे हाल है। कैसे आया जाया करना था हमने पार है। मैं पार पर आपको दिखाती, पर जाके मैं गई थी अभी, पर मेरे को ध्यान नहीं रहा वीडियो बनाने का ना। छोटा मेरा थोड़ी भीड़ है, मेरे के थी नहीं है ना। तो अभी इतनी भी है पर आज 6 पूड़े ना मेरे ने बनाते बनाते तो आए नहीं मेरे। तो नजदीक ही है, घर के पास ही काट रहे हैं हम ना, तो मैं कह चलो ऐसे ही लेके जाते हैं। ये तो ऐसा ये करना, ये देखो। और अभी ना यहाँ पे भी इसको छोड़ आएगा है। और एक यहाँ पे मैंने ऐसे कटी उंगली में ना, इस तरह से काटा भी। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे को इतनी दर्द हो रही थी ना कि बस पूछो मत, बहुत तेज दर्द हो रही थी मेरे को। फिर भी मैंने ना बड़ी मुश्किल से काटा, थोड़ी देर के लिए निम्बल हुआ था, निम्बल मतलब बारिश थमी थी। और ये ना यहाँ पे लोगों का चरी का खेत है, ये देखो नीचे हमारे घर के साथ ही हमारे पास होता है ऐसा खेत नजदीक, तो मजे आ जाने थे। 4 पूड़े काटे, रुटे और तूड़ी के बीच में मिक्स करके दे दिए, ये देखो। बस ये अब निबांधा जाता है मेरे से। अभी ना दो की मैं ले चलूंगी, कुछ हानि ले चलेगा। मैं कुछ सोचने लग गई थी। कैमरा चल ही रहा था, पता नहीं क्या सोच रही थी। और बहुत दर्द है। पुराना तो था, आज बोलो भी आपू, आज ही टाइम, आज रोड है 4 किनारे बंद। हाँ आज तो रोड बंद है चक। बोले बे ना। अरे ये चक 4-5 पूड़े, फिर मापू चक लेने जो बचने। फिर तो मेरे 2 ही चकने, 3-3 चक, 2 ही चकने, 2 चकने, 3-3 चक हुई गा ना बेका। उठिया पीड़ यार, मेरे कितना ही पीड़ नहीं, ऐसे तो बाया करूँ मैं इत्थों का। मेरे भी और भी पीड़ की गुटी जाऊँ दसूंगी, पता कितने जे इते इते इती है इती है। ये तो मैं बता के जी रही हूँ, पर मेरे इच्छी दबाया करो ना, पीछे पीट जाए फिर भी है। आज मैं ना आपको शानू का काम भी दिखाऊंगी आप लोगों को आज। और हनी तो भला रोज करता ही है ना, पर शानू का भी दिखाऊंगी अभी चल के। बस बस इना ही नहीं, त्यू त्यू एक माली आना, यही एक बचना एक्स्ट्रा। अंदर अंदर तीन तीन नहीं, इसको 6 लगे ना, और एक पूरा ये बच गया, अब इसको मैं लेके जाऊंगी। बस ये होता है भाई, अपने बच्चों का सहारा है ना, अब बड़ा भारी सहारा। तारीफ करना भी व्यापती, माँ इतने बंदे का कू छेड़ देना ही तो उस परेशान नहीं देनी। इतनी बार ना मसाई के नीति रेता रुता तो आना होगा जो आओगा समान। और ये अन्नी नहीं, और ये क्या हुआ है पाओ, इतनी तो बड़ी बुरी तरीके से फंसना। ये भी बहुत बढ़िया एक नारा है नी, ये थाले तो ये तो ठीक है, इसने ये पट्टा ना ऊपर।
ये देखो यहाँ पे ना ये परे तक जो है क्या क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, ना ना ये इतनी भी नहीं ठहरे गई लखन देर चर्चा रह गए। आप भला भी कर देते इतनी भी लगनी ते परे कौन नहीं बाया तो इतनी चबड़ पर उच्चा नहीं ठा देखे डिबेड़ी इतनी बड़ गई थी ले पट और खा पकड़ दे पट इत कनारा फिर हां पर इतनी ना ये माटी पाते फिसली सको गड्डी इतनी सोलिंग करानी पड़नी उच्ची जी ना ये फंसती है गाड़ी लगती है नीचे ऑटो तो मेरे भाई लेगी थी ये पट्टा इसने ये पर यहाँ पे अभी भी कितना नीचे रह गई देखो टायर कितने स्लिप होते हैं यहाँ पे थाले और उबे कितना पड़ गया डूब है ना चलो तो चलो बस अब रेस्ट करते हैं 12 भी बज गए। मैंने वीडियो में भी एड वगैरह लगानी है और बस रेस्ट करती हूँ मैं। सुबह से जो लगी हूँ ना मैंने खाना बनाया पहले गोहनी का किया फिर शानू का काम गनाती हूँ आपको और फिर दिखाती हूँ भाई इसने क्या क्या किया आज। अच्छा काम किया इसने, अच्छा काम करो तो दिखाना चाहिए। चलो अभी तो शानू सो गया ना ए मजे। तो ये देखो आज शानू ने सारी सफाई करी हुई है, ये देखो ये शानू नहीं करी हुई सारी, तह तू लगा के रखे हैं कंबल बढ़िया तरीके से। अभी तो ये सो गए ना यहाँ बेड पे, यह चीजें तरतीब से रखी हुई है, ये देखो ऊपर भी साफ करा है शानू ने करा है। अभी ये देख रहे थे और अब एकदम से फोन बंद कर दिया। यहाँ पे भी सो के चले गए नहीं पापा, यहाँ पे भी इसने बढ़िया चादर बिछाई हुई थी। वाह शानू, और शानू ने पानी भी पिलाया और अब यहाँ बैठा है। और इसने ना पानी भी पिलाया गाय, सॉरी चिकड़ उठाया इसने, गायों को घास दिया सुबह सुबह, जिसने बहुत काम किया। चिकड़ भी इसने उठाया था। मेरे को लगी ये गर्मी में थोड़ा सा पंखा कर लेती हूँ तेज, और मेरे को ना ये उंगलियां भी खोलनी है। अब जब मैं घास को जाती हूँ ना तब तो मैं इनको बांध लेती हूँ, और अब मेरे को ना ये पहले इनको खोल लेती हूँ फिर उसके बाद ना बैठती हूँ। बहुत तकलीफ है ना मैं सच्ची में। ऐ लड़की अपना नाम तो बताती जा, उड़ते बादल से पूछो, बहती नदिया से पूछो, इन नजारों से पूछो, इनको पता है मेरा नाम। दूसरे बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो मैंने ना इसमें सुबह वो लगाया था, ये देखो अब दिख रहा है। ये पूरी उंगलियां, ओ भाई। तो अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी यहाँ पे और ये सूख जाएंगे उंगलियां बांधने के जो है ना, इनको मैं धो के रख देती हूँ। अभी तो मैंने ऐसे ही डाल दिए, अभी ना मैं बहुत थक चुकी हूँ मैं बहुत ज्यादा सच्ची में। तो बाद में मिलूंगी आपसे, अभी दिन का पूरा ब्लॉग बताना है ये तो आपको, कहाँ से 11 बजे से आगे का ब्लॉग दिखा रही हूँ मैं। पता है ये मैं ये सोच रही थी ना, इतनी तबाही हो रही ना हिमाचल में बारिश से, ये भगवान मेहर करे, माता रानी मेहर करना, सब लोग दुआ करें। और इतने हादसे हो गए ना आज, एक बहुत ही ज़्यादा बुरी जो खबर सुनने को मिली, मैं इनके फ़ोन में देख रही थी फेसबुक पे। वैसे मेरे भाई का फ़ोन आ गया था मेरे को कि हमारे यहाँ पे साई बलेरे के साथ ये गांव है चलोग पड़ता है, कितनी घटना, आज मैं आपको 3-4 ये सुनाऊंगी। और लोग फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं, ऐसा ऐसा भगवान कर रहा है ना। तो वहाँ पे ना दो भाई बहन जो बच्चे जो है वो दीवार में, दीवार के नीचे दब के जो है वो नहीं रहे, और एक 15 साल का लड़का था और
21 साल की लड़की थी। हाँ बोलो तो। एक वो हादसा हुआ और एक मुझे कमेंट भी किया था कल नैना ने कि दीदी आपकी पंचायत में हमने पढ़ा था फेसबुक पे कि ऐसे ऐसे 4-5 लोग आए थे और इतनी मतलब मैं क्या बताऊँ इतनी तबाह इतनी लोगों के इतने गंदे विचार हो चुके हैं, इतना बुरा करने पे उतारू हो गए। फिर उनसे आईडी प्रूफ मांगा हमारे पंचायत प्रधान ने तो उनके पास नहीं था, वो ऐसे ही लगे एक दूसरे को देखने। फिर उन्होंने पुलिस बुलाई, वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाई, फिर उनको थाने में ले गए तो उन्होंने वहाँ पे पता नहीं कहीं कुछ बोला कि हम बच्चा चुराने का गिरोह है, हम 500 लोग हैं और ऐसे ऐसे हम पूरे हिमाचल में। तो प्लीज़ अपने बच्चों का भी ध्यान रखें, इतनी भगवान इतना कर रहा है ना लेकिन लोग फिर भी नहीं मानते, उनको बस पैसा 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 पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। एक हमारे बिलासपुर में मेरे मायके के साथ ही लगता ब्रह्मपोखर के पास दक्षेज के पास रोड तो हर जगह ही ख़त्म है लेकिन जो मैं देख रही हूँ ठीक है ज़्यादा ये देखते हैं बच्चे भी वो भी, क्योंकि मेरे पास फेसबुक नहीं यूट्यूब पे इतना नहीं आता जो लोकल हमारी वो घटनाएं होती है ना। तो और वहाँ पे इतना वो गिरा, वो 8-10 मकान बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे वहाँ खाली करवा दिए गए हैं और उनके अंदर वो परसों की घटना है, परसों निकल के उस एक काउशेड के अंदर एक भैंस एक कट्टी 5-6 बकरियाँ वो उसके नीचे दब गया, जितने को वो खोलने लगे उतने को जो है ऊपर से पूरा पहाड़ बैठ गया। और अभी कहते हैं कि शिमला और शिमला मंडी नीचे अपने कीर्तपुर को चला गया रोड, नीचे अपने ज्वालाजी वगैरह जो मेन रोड है ना हमारा ये गिरा है ठीक है। तो अभी ये कहते हैं कि 8-10 दिन बिल्कुल नहीं खुलेगा, पता नहीं कहाँ से वाहनों की आवाजाही, पता नहीं किधर से, कुछ मेरे मायके से होके जा रही थी छोटी गाड़ियाँ, बड़ी जो बसें वो हाँ शिमले भी सुना मैं, शिमला में एक मंदिर वो हुआ हाँ वहाँ बहुत लोगों के दबने की समाचार आ रहा है यार। मन ना दहल उठा है, मन कांप उठा है, इतनी ज़्यादा तबाही हो रही है ना कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम अपने घरों में हमें ये लगता है कि हम सेफ हैं लेकिन कब कहाँ से कोई भी सेफ नहीं है, इसकी कुदरत की जो मार है ना कुदरत के साथ और खिलवाड़ करो। आदमी ये सब करने को भगवान को मजबूर कर रहा है, इंसान ही मजबूर कर रहा है ये सब करने के लिए। लेकिन क्या होता है ना उसमें फिर अच्छे लोग भी पिसते हैं, अच्छे लोग भी जाते हैं। और कितनी बातें सुन रही हूँ आज की डेट में सुनी मैंने कि वो बच्चा चुराने वाला गिरोह वो आया हुआ है। तो प्लीज़ सावधान रहें, सतर्क रहें। और वहाँ पे उन्होंने ये भी साफ लिखा हुआ था कि अपने घर में जैसे आपके घर में कुत्ते हैं, अब कहते हैं ना कि कुत्ते क्यों पाल रखे हैं, ये क्यों कर रखा है, कह रहे हैं कि अपने ना कुत्तों को छोड़ दो, आपके घर में अगर कुत्ते हैं तो उसके डर से भी कुछ इनको ये रहता है, आंगन में छोड़ दो, मतलब मेन गेट बंद करके और बाहर ना जाए। अब ये जो कपड़ों वाले भी इनका भी कोई भरोसा नहीं, मैं तो लेती नहीं, पिछले साल बुलवाया था एक यहाँ पे जो ये था, अब मैं नहीं लेती, देखो भाई दुकान जाके चीज़ ले ली बिना। तो ये सारी चीज़ें हैं और प्लीज़ तर्क रहें, मैं तो हैरान होगी। और ये घटना हमारे इस गांव के साथ में लगता गांव है मांडी वहाँ पे हुई, जो वो क्या बेच रहे थे एलईडी बल्ब है ना, बच्चा चोर है भाई, आप बोले थे ने 500 लोगों का गिरोह है भी हमारा, पुलिस ने लगी थी ना पर आईडी प्रूफ था ने एलईडी बल्ब बेचा, कोई एलईडी बल्ब के रूप में आते हैं दिन को देख जाते हैं बेचते हैं और फिर रात को ऐसे ये करते हैं पता नहीं क्या क्या करते हैं, मतलब फिर ब्लैकमेल करते हैं लोगों को, पैसे ऐंठते हैं, बच्चों की आवाज़ें निकालते हैं, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। और अब बंदा अपने घर में सेफ है अगर कुदरत की मार से बचे तो, अदरवाइज तो कहीं भी सेफ नहीं है। लेकिन बाहर वालों से खुद को सतर्क रखें, मैं इतना कहना चाहूँगी, अपने लिए भी बोल रही हूँ आप सबके लिए भी बोल रही हूँ। और पता नहीं है क्या क्या होगा, बहुत बहुत ज़्यादा डर लगा है। इंसान ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, अपनी चापलूसियों से, अपनी हेरा फेरी, चालाकी, झूठ बोलना और पाप अपराध, इनकी दुनिया में धंसता ही जा रहा है, इतना कुछ हो रहा है। लेकिन बंदा मजाल है भगवान का नाम ले ले, मजाल है परमात्मा का नाम ले ना, हर वक्त इसमें डूबा है, सोच में डूबा रहता है कि मैं उस बंदे को कैसे हानि पहुंचाऊं। वो बंदा आगे बढ़ गया है, उसके पास घर हो गया या कुछ भी हो गया, उसको मैं कैसे नीचा दिखाऊं, उसका करेक्टर कैसे खराब करूं, कैसे उसको ये साबित करूं कि ये अच्छा नहीं है, बस इन चीज़ों में लगा हुआ है आज का हर इंसान।
धोखाधड़ी से पैसे कमाना, किसी का गला काट के पैसे कमाना, बुराई करके निंदा करके, नहीं भाई थोड़े में जी लो, थोड़े पैसे में जी लो, जरूरी नहीं है तुम्हारे पास बंगले और गाड़ियां होनी चाहिए, ठीक है, सुकून की जिंदगी जी लो ईमानदारी से, कुछ नहीं होगा, थोड़ी थोड़ी सी जिंदगी है ना, बड़े आराम से हम जी सकते हैं, पर क्या करना, कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो चलो मैं यहीं पे वीडियो का एंड भी कर रही हूँ, फिर मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अभी बनाते हैं कुछ, क्या बनाऊँगी फिर वो सुबह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हाँ खुलना बंदा ऊपर जाना नहीं है, उन दिया हुआ दरवाजा ने खोलना नहीं है, बस के बैठी का वे, है ना। तो चलो बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए, बहुत सारे बहुत सारा प्यार आप सबके लिए, परमात्मा आप सबको खुश रखे और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां आए, बस यही परमात्मा से अरदास करना कि भगवान बस ठीक ठीक हो जाए। बारिश से बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है, बिल्कुल नहीं, हर जगह से बुरी खबरें आ रही है, हर जगह से बुरी खबरें आ रही है। क्या हुआ, जय माता दी।